अगर आपने इसका तर्जमा समझ लिया तो इंशाल्लाह किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह की मेहरबानी होगी, समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में अनेक परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी। आइए, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो तर्जमा सुन लें। इरशादे रब्बानी है, अल्लाह पाक फरमाता है, मैंने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर अपनी इबादत के लिए। उलमा जानते हैं कि जब नाफिया के बाद, चाहे वो ला नाफिया हो, मा नाफिया हो, लन हो, लम हो, लैसा हो, इन हो, अगर उसके बाद हरफे इस्तिस्ना इल्ला आता है तो इफादे हसर होता है। जैसे हमारे कलमे में है ला इलाहा इल्ला, मतलब नहीं है कोई माबूद, कोई पूजा योग्य मगर अल्लाह। मतलब क्या हुआ इसका कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, वही इफादे हसर यहां। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सो द रीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑल मैनकाइंड इज जस्ट टू डू वर्शिप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एक ही उपदेश, एक ही टारगेट, एक ही गोल है कि हम यहां आए हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। बड़ी मशहूर आए थे, न जाने कितने चच्चा ऐसे हैं जो बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहो। हमारे यहां तो जब लाइट चली जाती है तो लोग इसी आयत को पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। कभी इसके तर्जमे पे आपने गौर किया? मतलब क्या है? हम अल्लाह के हैं, उसी की तरफ लौटने वाले। We belong to Allah and we will return on to Allah Almighty। हमारे बाल बाल पे, रोम रोम पे सिर्फ उसी का अधिकार है, उसी का हक है। वो हमारा मालिक भी है, खालिक भी है, राजिक भी है। वो खिलाने वाला हम खाने वाले, वो पिलाने वाला हम पीने वाले, वो पालने वाला हम पलने वाले। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें इंसान बनाया, मनुष्य बनाया। इंसान क्या बनाया, जोर से बोलो। कादिरे मुतलक है, कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते। जानवर बना देता, पेड़ पौधा बना देता, भेड़ बकरी बना देता, पत्थर बना देता, लोहा बना देता, कुछ कर पाते, बोलो। ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिन मुतलक का जिसने हमें लकत करमना बनी आदम का ताज पहनाया। यानी उस मोहान रचयिता ने सबसे मोहान रचना हमें बनाया। और सुनिए साहब, करम वाला एक करम देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। इतना धीरे सुभान अल्लाह से काम नहीं चलेगा। मुसलमान बनाया यार, यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया, अपनी बारगाह। आप जरा सोचें, और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम स्ट्रीम पे, तो रिजल्ट क्या निकला, परिणाम, किसी मुसलमान ही नहीं, गुलाम हबीब रहमान बनाया।
गुलामे हबीबे रहमान बनाया, यानी मतलब किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उस सोनार नबी का उम्मती बनाया, उस महान नबी का उम्मती बनाया जिनके सदके में सारा जहान बनाया। अब ये तो सबकी कॉमन बात है, जर्नल है, एक स्पेशल भी कह दूं मैं अपने घर वालों की तरफ से, खानवादे नबूवत की तरफ से, कि ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह का सैयदों पर कि उन्हें उन्हें अपने महबूब की संतान बनाया, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, गुलामे हबीबे रहमान बनाया, संतान बनाया। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। He has created the entire nature for human being, for all mankind. अगर आप गिनना शुरू करो कि क्या क्या हमारे लिए बनाया, बुड्ढे हो जाओगे गिनती नहीं पूरी होगी, कब्र में चले जाओगे गिनती पूरी नहीं होगी, खुद उसका दावा है। वह इन तउद्दू निअमत अल्लाह ला तुहसू, इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, यू कैन नेवर एवर काउंट, नहीं गिन सकते। उसने बरगो समर बनाया हमारे लिए, शमसो कमर हमारे लिए, चंद्रमा हमारे लिए, सूरज हमारे लिए, आकाश हमारे लिए, पाताल हमारे लिए, तारे हमारे लिए, पहाड़ हमारे लिए, नदी हमारे लिए, दरिया हमारे लिए, समंदर हमारे लिए। रात खत्म हो जाएगी, बात नहीं खत्म होगी, क्या क्या हमारे लिए। हद तो ये कि उसने सब्जियों को, वेजिटेबल्स को जो शाद दिया है, जो टेस्ट दिया है, जायका, वो भी हमारी जबान को सूट करने वाला। फलसफी इसे अपनी जबान में बुरहाने तमानों कहते हैं। कम से कम यही सोच के अल्लाह को एक कह दे कि उसने भिंडी और परवल और लौकी और कद्दू को ऐसा टेस्ट दिया जो हमारी जबान को सूट करता है। सब हमारे लिए, किसके लिए जोरे जोरे, हमारे लिए। जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, अल्लाह ने वो हमारे लिए बनाया। चाहे टाइटेनियम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। चाहे घासलेट हो, आमलेट हो, चॉकलेट हो, या फिर पापलेट हो, हमारे लिए बनाया। पेड़ पौधे हमारे लिए बनाए। इसीलिए जब हमें तेज धूप लगती है तो किसी वृक्ष, किसी पेड़ के साए में हम खड़े हो जाते हैं। वो पेड़ हमें लात मार के भगाता नहीं, उसे पता है कि मैं इंसान के लिए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। और कभी भूख लगी तो उसी पेड़ से, उसी झाड़ से, उसी गाछे से फल तोड़ के हम खा भी लेते हैं। वो टोकता नहीं है मत तोड़ो, पता है मैं मनुष्य के लिए। और कभी मौका मिला तो उसी गाछे को काट करके मेज, कुर्सी, फर्नीचर, अलमारी सब बना लेते हैं। वो नहीं टोकता, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। अब इससे बड़ी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता कि जानवर, पशु, परिंदे, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। इसीलिए कुछ जानवरों की पीठ पे हम बैठ जाते हैं, सवारी बना लेते हैं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, कुछ गधे गधे पर भी बैठ जाते हैं। वो हमें पटकते नहीं है, पता है, उन्हें पता है कि मैं इंसान के लिए। कुछ जानवरों का हाल ये है कि उनके कमर में, बैकबोन में मोटी सी रस्सी बांध कर उनसे सामान खिंचवाते हैं, क्रेन की तरह बैलगाड़ी चलाते हैं ये। वो कभी रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, उन्हें पता है कि मैं इंसान के लिए। और कभी मुंह का शाद जो है वो टेस्ट अगर चेंज करना हुआ तो कभी कुछ माकूलुल लहम जानवरों को ज़बह करके मसाला लगा के हम भून के खा भी जाते हैं। कटने वाले को तकलीफ नहीं है, पता है कि मैं इंसान के लिए। मगर आए हसरत इंसान, तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो, मानो जात
ऐ मनुष्य, ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, कभी एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए कभी दिल में ख्याल आया, कभी विचार किया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, मौला हमें किसके लिए बनाया? अल्लाह करे समझ में आ जाए, सब हमारे लिए, मालिक हम किसके लिए? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती, गोया रब फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो। अब सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सूरज चमक रहा है ड्यूटी निभा रहा है, चांद चांदनी फैला रहा है ड्यूटी निभा रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं ड्यूटी निभा रहा, नदी नाले चल रहे हैं ड्यूटी निभा रहे हैं, सब्जा उग रहा है ड्यूटी निभा रहे हैं, सब अपनी ड्यूटी जानते हैं, हम अपनी ड्यूटी भूल गए। वी फॉरगॉट अवर ड्यूटीज अनफॉर्चुनेटली। हम सब के लिए नहीं, सिर्फ रब के लिए आए थे, और इसीलिए दुनिया, जब हमने अपनी ड्यूटी भुला दी तो आजमाइशों के हम शिकार हो गए। हम अल्लाह के लिए आए और उसी की इबादत करना ही हमारा मेन सिद्धांत है, वही टारगेट है, वही गोल है। ठीक है, क्लियर? अब जब हम इबादत के लिए आए हैं तो यह जानना बहुत ही अनिवार्य जरूरी है कि इबादत कहते किसे हैं। व्हाट डज मीन बाय इबादत? इफ यू डोंट नो द मीनिंग्स ऑफ इबादत, सो हाउ कैन यू परफॉर्म इबादत? इबादत के कई माना है, लेकिन मीर शरीफ जुर्जारी ने एक माना आरिफाना बयान किया। फरमाते हैं, अल इबादत هي كل عمل يرضى الله سبحانه وتعالى عنه। इबादत हर वो काम है, क्या बोला मैंने? इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्या हो जाए? राजी, समझे ना? प्रशन्न, राजी हो जाए, जिससे अल्लाह राजी हो जाए वो अल्लाह की इबादत है, संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट में भी इत्मीनान का लफ्ज है, और ये, हाँ, ये एक हवास है, लेकिन बहर कैफ, राजी सबसे मुनासिब मोहताज जुमला है, जिससे अल्लाह राजी हो जाए वो कार्य क्या है? अल्लाह की, बोलिए, इबादत। क्या है? इबादत। अब समझ में आया कि हम अल्लाह को राजी करने आए। घंटी यहां अटकती है कि हम राजी कैसे करें। एक मुरीद ने सोचा हजरत कि नूरानी मियां आए हैं, राजशाही में आए हैं, अशरफी था, उसने सोचा हजरत को कल दावत दे के खुश कर दे, प्रसन्न कर दे, राजी कर दे, संतुष्ट कर दे। दावत दिया, बेहतरीन खाना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिलेशियस, अनिक्षादिष्ट, मटन भी था, चिकन भी था, माछ भी थी, न जाने कितने किस्म के कबाब थे, बिरयानी भी थी। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, असाधारण था, लाजवाब था, लेकिन मैंने जी भर के नहीं खाया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के हिसाब से नहीं था। द फूड वॉजंट कुक्ड अकॉर्डिंग टू माई डिजायर, माई लाइकिंग। मेरी पसंद के हिसाब से होता तो मैं दो नहीं, चार प्लेट चाव भात खा जाता, लेकिन मेरी पसंद का नहीं था तो थोड़ा थोड़ा खा लिया। क्या समझे इस मिसाल से? देखिएगा, क्या समझे? कि जिस तरह बिला तशबीह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी।
राजी है। ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी। अब मसला यह है कि मेरी पसंद जानने का बड़ा आसान तरीका है। इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई लाइकिंग, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आई विल गिव यू व्हाट शुड आई ईट। आप मुझसे डायरेक्ट पूछे, मैं बता दूंगा मेरी पसंद सादी दाल बना देना, सादी रोटी बना देना, सादी सब्जी बना देना, सादा भात बनाना, सब कुछ सादा सादा रहे। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया। अल्लाह की पसंद हम कैसे जाने? वो तो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित हैं। वो निराकार, हमारा आकार। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। हम उसकी पसंद कैसे जाने? अल्लाह ताला ने हमें 5 महान शक्तियां दी हैं, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स, किसी चीज को पहचानने के लिए। मिसाल के तौर पे ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है, कैसे पता चला? देखा तो, दृष्टि से। किससे? देख। ये आवाज मर्द की है या औरत की, बच्चा या बच्ची? सुना तो पता चला। ये खुशबू, महक, ये सुगंध है कि दुर्गंध है, अच्छी है कि बुरी है? नाक से पता चला। ये माइक कड़ा है कि मुलायम, ठंडा की गर्म? छुआ तो पता चला। ऐसे ही ये बिरयानी लखनवी है कि मुरादाबादी है, कि हैदराबादी है, कि वो कलकत्ते वाली, आलू वाली, या ठाका वाली, अच्छी है कि बुरी है? चखा तो पता चला। तो देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, 5 इंद्रिय, 5 महान शक्तियां जिसके जरिए हम किसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। मुझे बताओ राजशाही वालों, बताओ, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, कैन यू सी? देख सकते हो? दृष्टि कर सकते हो? सुन सकते हो? चख सकते हो? छू सकते हो? या फिर या सुन सकते हो? नहीं। जब इन 5 महान शक्तियों से हम उसको नहीं जान सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? क्योंकि जब तक हम पसंद नहीं जानेंगे, हम उसे राजी नहीं कर पाएंगे। यही मसला फंसा एक मुरीद के साथ, हजरत मुरीद के साथ। दावत देना चाह रहा था, समस्या ये थी कि उसे मेरी पसंद नहीं मालूम। क्या करे क्या करे, भागता हुआ आया हमारे हाफिज साहब, जो शैदपुर से हमारे साथ आए, हाफिज साहब बख्शी जी, पूरी खानकाह बख्शिया की मजबूत नुमाइंदगी वहां कर रहे हैं। इनके पास आके ने, हाफिज जी, आप तो 10 साल से हजरत की खिदमत कर रहे हैं, बड़े बड़े खानवादे के बुजुर्गों की खिदमत किया है, सेवा किया है, कल मेरे घर नूरानी हुजूर की दावत है, ये बताइए उन्हें क्या पसंद है? मुझसे नहीं पूछा, बख्शी साहब से। किससे? हाफिज साहब से। भागता हुआ गया तो इन्होंने कहा, देख हजरत को खुश करना है तो सादा सादा खाना बना दे। ये मैं सीरियस कह रहा हूं, वाकई मुझे सादा पसंद है, बहुत सादा। जितना मतलब मैं खाता तो हर चीज हूं, लेकिन सादा जरा ज्यादा खाता हूं। सादा सादा खाना बना दे। बंगला में, बंगला में कथा बोले, बंगला में कथा बोल दो, बंगला में कथा बोलते बोल सकते, आप बोलो, बंगला बोल दो, उर्दू बोल दो, पूरा बोल दो, अच्छा मिला जुला के बोल गए। मैं आपके लिए कह रहा था, ये जुमला बंगला में बताइए। मैं ये बता रहा हूँ, सरकार को बताया हुजूर ने का उद्देश्य, जो हुजूर ने जो मुक्ति उन्हें प्रकाश कर दिले, इंशाल्लाह कल को जाके पर आपके जयंती के हो मोने करके हुजूर का मैं दावत करो, राजी करो। क्यों हुजूर बोले थे खुदा के राजी करना, तो हुजूर के राजी करते हो सादा सादा हो तो दुआ ज्यादा ज्यादा हो।
वो तो समझ गए, बात समझ में आ गई ना। हाफिज जी को पकड़ा, बताओ हुजूर को क्या पसंद है, इन्होंने बता दिया, मुझसे नहीं पूछा। जब मैं घर गया उसकी बाड़ी में तो देखा सादा सादा खाना, अरे भूख नहीं थी लेकिन फिर भी खा लिया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक था, अनुकूल था, पसंद के अनुकूल था। किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया, उसने बताया जो मेरे करीब है। कौन है, कहां है? नगीच है, नजदीक है, करीब है। जोर से बोलो, क्यों? क्योंकि जो करीब होता वही हबीब होता, और जो हबीब, जो सबसे ज्यादा करीब होता है वो सबसे महान हबीब होता। बिला तशबी मेरी पसंद, उसने बताया जो मेरे करीब है। अल्लाह की पसंद, उसने बताया जो अल्लाह के करीब है। चुनांचे अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, सरकार मदीना, राहत कल्बो सीना, जनाब नूह का सफीना, इल्मो हिकमत का खजीना, मारफत का गंजीना, चलता फिरता मदीना। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपनी पसंद से मत राजी करो, अल्लाह को राजी करना है तो गुनाह मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है बदकारी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है गरीब का माल मत लूटो, अल्लाह को नहीं पसंद है। और काफिरों से कहा अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। पसंद है ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है सेवा करो, अल्लाह को पसंद है खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है गरीबों को माल दो, अल्लाह को पसंद है उलमा की इज्जत करो, अल्लाह को पसंद है सादात से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो। तवज्जो तवज्जो, टाइम बेशी ना, एकदम बहुत शॉर्ट है, और जितना आज थोड़ा लेट भी हो गया, विलंब हो गया, कल इंशाल्लाह मैं समय से पहले आ जाऊंगा। आज तो मस्जिद अल्लाह के घर के सामने है ना, तो आज आज सरकारी जलसा है, कल इंशाल्लाह दरबारी जलसा हो खानका में, तो पूरे हौसले से मैं भी ऑन टाइम आऊंगा और बहुत देर तक बोलूंगा, लेकिन आइए इस कंक्लूजन को भी पूरा करना बाकी है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? सल्लू सल्लू कमारा इतमुनी उसल्ली, यानी अपनी इच्छा से नहीं, पिछले नबियों की उम्मत की कॉपी नहीं करना। हुजूर ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, मेरी तरह पढ़ो, यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कयाम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तहियात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, जिक्र वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। हज करना है तो सिर्फ परिक्रमा मत करो, तवाफ करो जैसे मैं करता हूँ, एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, सफा मरवा के बीच में सही करो जैसे मैं करता हूँ, मीना मुज़दलिफा अरफात में ठहरो जैसे मैं ठहरता हूं। तुझे रोजा रखना है तो उपवास मत करो बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूं, दिन भर भूखे प्यासे रहो जैसे मैं रहता हूं। अरे करके तो देख, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। हुजूर ने क्या फरमाया? करके तो देख। अरे जब तू ऐसा करेगा तो मेरी मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी।
क्या समझे कि इबादत कुछ और नहीं, सुन्नते पाके मुस्तफा का नाम है, अदाए पाके हबीब का नाम है, वरना हम कहां उसे राजी कर पाते। अब क्योंकि बात को मैं फिनिश कर रहा हूं फाइनल टच की तरफ, पूरी तवज्जो के साथ इसको और जरा गहराई से समझो अंदर से। ये कई उंगली है, चार, चश्मा लगाए कि नहीं, तीन, क्या है? अच्छा, तीनों समान है, बराबर है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ी, जो उसके नीचे वो उससे छोटी, और जो सबसे नीचे वो सबसे छोटी, ठीक है ना। अब बांग्लादेश में हूं तो बिल्कुल हिंदी की चिंदी नहीं करूंगा तो मामला क्लियर नहीं होगा। जबाने यारे मन तुर्की वो मन तुर्की नमी दाना, तो आपकी भाषा बंगला है और मेरी उर्दू है, लेकिन बस मिसाल देखिए। तीन उंगली, जो सबसे बड़ी वो सबसे ऊपर, जो उससे छोटी वो उसके नीचे, जो सबसे छोटी वो सबसे नीचे, तीनों एक दूसरे से मिलती भी हैं, अलग भी होती हैं, मिलती भी हैं, अलग भी होती हैं, है कि नहीं, बोलो। इसमें ये जो बीच वाली है, ये द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, जो ऊपर वाली से छोटी है, नीचे वाली से बड़ी है, बीच वाली, इसका कनेक्शन डुअल है। जैसे डुअल सिम मोबाइल होता है, ये ऊपर वाली से भी मिलती है, नीचे वाली से भी मिलती है, ऊपर वाली से भी मिलती है, नीचे वाली से, मिला के देखो ठकाठक, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अब नीचे वाली से मिला ठकाठक, कुछ हो रहा है? यानी ये इससे भी मिलती है, इससे भी, ऊपर भी मिलती है, नीचे भी, और अगर दोनों से एक साथ भी मिलना चाहे तो यूं मिल जाती। अलग करो तो इससे भी कनेक्ट, इससे भी कनेक्ट, इससे भी कनेक्ट, इससे भी कनेक्ट, क्लियर? हां, ये जो छोटी वाली है सबसे नीचे वाली, अगर ये चाहे कि मैं उछल कर, जंप लगा कर, कूद कर ऊपर वाली से मिल जाऊं डायरेक्ट, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी ऊपर वाली से, समझ में आ रहा? याद रखिएगा, अल्लाह ऊपर नीचे से पाक है। ऐनमा तुवल्लू फतम वजहुल्ला, मैं सिर्फ तकरीब फहम के लिए आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। बिला तश्बी खुदाए बुजुर्गो बरतर ने, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों की हिदायत के लिए, मार्ग दर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा। अरे अपने भेजे में उतारो ताकि ये भेजा समझ में आ जाए, और ये भेजा समझ में आया तो जिस काम के लिए मुझे भेजा है वो समझ में आ जाएगा। फिर मैं दोहरा रहा हूं, बिला तश्बी खुदाए बुजुर्गो बरतर में नीचे वालों की हिदायत के लिए, रहबरी के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा। कौन भेजा? जोर से बोलो, बीच वाला भेजा, और उसे बीच ही में रखा ताकि उसका कनेक्शन ऊपर वाले से भी रहे, यानी बीच में रखा ताकि उसका कनेक्शन बंदों से भी रहे, मौला से भी रहे, बंदों से भी रहे, मौला से भी रहे, कोया बीच में रखा, बीच में रखा ताकि सब समझ जाए कि मुस्तफा, तवज्जो रहे, मुस्तफा रब और सब के बीच की कड़ी है। बीच में इसलिए है क्योंकि ना वो रब की तरह है ना हम सब की तरह। ना वो रब की तरह है, गोया बीच में, देखिएगा, बीच में रखकर गोया रब्बे काबा ये फरमा रहा, ए महबूब मैंने आपको बीच में रखा, बीच में रखा
ताकि तुम मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। इसीलिए तो बीच में रखा, कुरान मुझसे लो बंदों को दो, ज़ाब्ते अखलाक मुझसे लो बंदों को दो, जीवन का संविधान मुझसे लो बंदों को दो, हदीस मुझसे लो बंदों को दो, अखलाक मुझसे लो बंदों को दो, जाहो जलाल मुझसे लो बंदों को दो, फजलो कमाल मुझसे लो बंदों को दो, हुस्नो जमाल मुझसे लो बंदों को दो, इमामत मुझसे लो बंदों को दो, कयादत मुझसे लो बंदों को दो, विलायत मुझसे लो बंदों को दो, शराफत मुझसे लो बंदों को दो, नजाबत मुझसे लो बंदों को दो, करामत मुझसे लो बंदों को दो। इसीलिए तो बीच में रखा, ताकि अजमतें मुझसे लो बंदों को दो, नेमतें मुझसे लो बंदों को दो, बरकतें मुझसे लो बंदों को दो, नमाज मुझसे लो बंदों को दो, रोजा मुझसे लो बंदों को दो, फर्जियत ज़कात मुझसे लो बंदों को दो, मनासिक हज मुझसे लो बंदों को दो। ऐ मुस्तफा, हमने आपको बीच में इसीलिए रखा, ताकि आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदों, तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा से लेते रहो। महबूब, तुम नहीं दोगे तो देगा कौन? न मुझे कोई देख सकता है, न छू सकता है, न चख सकता है, न सुन सकता है, न सूंघ सकता है। हवा से खमसा से मेरा इदराक नहीं। ला तुद्रिकुल अबसार वहुव युद्रिकुल अबसार। महबूब, इसीलिए तो मैंने आपको चमकाया, ताकि लोग आपकी चमक को देखें और मुझे माने। इसीलिए तो आपको निखारा, ताकि आपकी निखार को देखें और मुझे माने। अरे मैंने इसीलिए तो आपको बेमिसाल, लाजवाब, सुंदर, अनेक सुंदर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, फेनोमिनल, पर्टिकुलर, औसम, इसीलिए तो आपको बेमिसाल बनाया, ताकि दुनिया देखे तो जान जाए कि जब जब महबूब का ये हाल है तो इसके खुदा का हाल क्या है। मैंने इसीलिए तो आपको बीच में रखा, मुझसे लेते रहो मेरे बंदों को देते रहो, मुझसे लेते रहो मेरे बंदों को देते रहो। तभी तो आला हजरत, अजीमुल बरकत, इमाम इश्को मोहब्बत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफर के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया, तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। ये है जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं हो सकता। हम आए हैं अल्लाह को राजी करने, मगर मशीयत का तकाजा क्या है? पहले महबूब को राजी करो, उन्हीं से तो सब मिलेगा। अब आखिरी नुक्ता बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इधर देखिए, हजरत किबला साहिब सज्जादा बैठे हैं, इधर मुफ्ती साहब उलमाए किराम हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का हक ज्यादा है कि इन दोनों को राजी करो, तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। हक दो का है तो राजी भी दो को करो। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों का हक ज्यादा है कि एक को राजी करो, तो आप कहेंगे अरे यार नूरानी मियां, ये क्या, आप तो लखनऊ में रहते हो, एक क्यों कह रहे हो? जब हक दोनों का है, अधिकार दोनों का है, तो राजी भी दोनों को करो ना। ये थोड़ी ना कि हम इनको अगर नजराना देंगे तो ये खुश होंगे ना, इनको देंगे तो ये नहीं, जिसकी जेब में जाएगा मालिक वही बनेगा टका का। तो जब हक दोनों का तो राजी दोनों को करो। लेकिन आओ कुरानी फैसला सुनो, इरशाद रब्बानी, अल्लाह व रसूलुहु अहक अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल
ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए। अयुर्दू होमा नहीं है, मौलमा की तवज्जो चाहूंगा, ये नहीं कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि दोनों को राजी किया जाए, नहीं, हक तो दोनों का है, राजी महबूब को कर लो। क्यों? यही तो रब फरमा रहा, जो नबी का है वही खुदा का है, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। यही तो रब ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे, जो तेरा है वही मेरा है, जो मेरा है वही तेरा है। मैं मालिक हूँ, तू ममलूक है, मैं मुहिब हूँ, तू महबूब है, यहाँ कुछ मेरा तेरा नहीं। तभी तो इमाम अहमद रजा ने कहा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। चले 5-8 मिनट और खींच, ये तो सब तैयार, ये सब तैयार, इनसे इसीलिए मैंने पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं, मैं इधर पूछ रहा था, ये रात ज्यादा, वो तो मैं चेहरा देख रहा हूँ ना, चमक रहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। नबी का ये आलम है तो फिर नबी का क्या आलम है? क्लियर हुआ? जिसने नबी को राजी किया उसने खुदा को राजी किया। इनको नहीं समझ में आता। और कैसे समझ में आवे? समझने के लिए चाहिए मुस्तफा की आल, और ये पकड़ बैठे सऊदीया का रियाल। कैसे समझ में आ रहा? आओ मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करता हूं। हिजरत की रात, देखिएगा, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, नबी और अली का साथ है, बाहर 40-40 काफिरों की घात है। अब तो कह दो वल्ला क्या बात है, हुक्म आ गया, काफिरों ने मीटिंग कर लिया है और वो खुदा के नबी को माजल्ला मर्डर, उनको उनकी हत्या करने का इरादा रखते हैं। जिब्रील ने आके हुजूर को खबर दी, निकल लो, तेरा यार अबू बकर तेरा इंतजार कर रहा। मालूम है कहां मीटिंग किया था? मक्के में, दारुन नदवा में। कहा? उस जगह का नाम यही है, वहीं से इन लोगों ने लिया। लखनऊ में जो दारुन नदवा खुला और यहां जो जमाते इस्लामी खोल रही है, ये वहीं से लिया। पता चला हुजूर के खिलाफ जो षड्यंत्र किया जाए, जहां पे किया जाए उस जगह को दारुन नदवा कहते हैं। अरे यार, लगता नहीं कैच कर पा रहे हो क्या? षड्यंत्र करने की जगह, साजिश करने की जगह को दारुन नदवा कहते हैं। अब अगर कहीं दारुन नदवा लिखा देखो, घबराना मत, समझ जाना ये अपना नहीं, सिर्फ सपना है, और सपना कभी अपना नहीं होता। कोई अगर सपने में करोड़पति बन गया तो सुबह जब उठेगा तो पता चलेगा मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी का पति हूं। अब इतनी रात हो गई, हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या? आइए, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं लाइए। हिजरत की रात, अली अपने बिस्तर पे लेटे थे। वाकया बड़ा मशहूर है, बस मैं आगे बढ़ रहा हूं। हुजूर ने अली को उठाया, ओ अली, वेक अप, गेट अप, उठो। मौला अली घबरा के उठे। हदीस में बहुत तफसील है। अर्ज किया, हुजूर क्या मामला है? अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे अभी रात ही रात हिजरत पे निकलना। मेरा साथी अबू बकर को है सौर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने तुझे इसलिए उठाया कि बाहर 40-40 काफिर तलवार लिए खड़े हैं मुझे मारने के लिए, और जाहिर है कि उनके टारगेट पे मेरा बिस्तर। ए अली, अपने बिस्तर से उठो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। और सुनो, ये एक गठरी है अमानत की, इन काफिरों की,
ये काफिर मुझ पर ईमान तो नहीं लाए, लेकिन मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते थे। इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, ऐ अली मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। इन अमानतों को अपने पास रखना, सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानत है बांटना, फिर मदीने आके मिलना। एंड देन ही स्लेप्ट डीपली, सो गए, गहरी नींद सो गए। सुबह उठे तो जानते हो क्या कहते हैं, मैं इतनी मीठी नींद कभी सोया ही नहीं। इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तु, इतनी गहरी नींद मुझे नहीं आई। मैं हैरत में पड़ा, अली आपकी शजाअत को सलाम। 40-40 काफिर घेरे हुए, हाथ में तलवार लिए हैं, मौत की जद में आपका बिस्तर है। और अली हैदर की जुरात देखो, फरमाते मैं गहरी नींद सोया, कोई खतरा नहीं था, इतना डीपली सोया कि डायरेक्ट फजर में उठा, इतनी गहरी नींद सोया। तो एक ने पूछा, हुजूर राज क्या था? का राज ये है कि मेरी मेरे जीवन की गारंटी नबी ने ले ली। गारंटी को उर्दू में जमानत कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। कब? वो कैसे? नबी ने फरमाया, अली सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात्रि नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। हजरत फरमा रहे थे होटल में कि मैं आपके वालिदे बुजुर्गवार का बड़ा फैन हूं। कौन उनका फैन नहीं है जिसके सीने में सुन्नी दिल नहीं है? शायद वही ना हो, वरना तो हर सुन्नी के वो हीरो हैं। मैं उनका एक तबर्रुक इस वाकये के पस मंजर में, जो हजरत ने एक रिजल्ट, एक परिणाम, एक नतीजा निकाला है, वो पेश करके बात को खत्म करूंगा। हजरत ने फरमाते हैं कि जिसकी तवज्जो रहे, अब मैं आपको याद दिला दूं, जिसकी गारंटी जमानत, क्या बोला मैंने, जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। वाकया हो गया, लेकिन ये जो मैंने कोट किया उसके पीछे क्या था कि हुजूर जब निकले तो देखा 40 काफिर, 80 आंखें। भाई हर काफिर के पास 2 आंख तो कितनी हुई? 80। दरवाजे को टुकुर 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 टुकुर, इरादा क्या है? नबी निकले तो मारूं, नबी निकले तो मारूं। हुजूर ने क्या किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? चंद कंकरियां उठाई। यह हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी, तिर्मिजी में भी, बल्कि कुरान में है, मैं आऊंगा उधर। चंद कंकरियां उठाई और काफिरों के मुंह पे इसे दे मारी। मालूम है क्या हुआ? काफिरों को सब दिख रहा, सिर्फ नबी नहीं दिखे। बीच में रास्ता बन गया, हुजूर गुजर गए। नबी नहीं दिखे, सरकार नहीं दिखे। ये उनकी किस्मत ही नहीं है कि सरकार उन्हें दिखे। हमें हमारी औकात तो नहीं है, मगर हुजूर की रहमत से बईद भी नहीं है कि वो दिख जाए। अब अगर कोई तुम्हारे बारे में कहे, सुन्नियों के जलसे में बिला वजह लोग खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, झगड़ा मत करना। अगर कहें कि हुजूर कहां दिखते हैं, कहां नजर आते हैं, बहस मत करना, समझ जाना। देखिएगा हजरत एक जुमला, अगर कोई कहे हुजूर नजर नहीं आते, सुझाई नहीं पड़ते, बहस मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक मौजूद है। लगी थी गुरु को
उस्ताद चेलों तक, असर चेलों तक, अभी भी चलिए। अच्छा बताइए, कंकरी उठाई किसने थी? बोलो जोर जोर, फेंका किसने था? सबने देखा कि नबी ने फेंका। बरगो समर शमसो कमर शजरो हजर खुशको तर बहरो पर सीमो जर, सबने देखा कि नबी ने फेंका। खुद नबी ने देखा कि मैंने फेंका। अल्लाह ने नबी के फेंकने का इनकार भी नहीं किया, वमा रमीता का, मगर कुरान की आयत ने फैसला सुना दिया, वमा रमीता इद रमीता वलकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, ये जो काफिरों पे आपने कंकरी फेंकी है, ये आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। तो इन जाहिलों को समझाओ कि जब नबी का कंकरी फेंकना खुदा का कंकरी फेंकना हो सकता है, तो फिर नबी को राजी करना खुदा को राजी करना। मौला करीम हम सबको, आज तो सेमीफाइनल था, कल दरबार में आना फाइनल है, और औरों को लेके आना, फिर इंशाल्लाह रात होगी और इस फकीर की बात होगी, हजरत की जात होगी। वो आखिर दावाना अनिलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम सभापति है तो पांचों सभापति, यानी सबके पति, सभापति सभापति। मंच उपविष्ट, মধ্যমণি এবং প্রধান অতিথি এবং আলোচক হাজিতুল আল্লামা তাজুল ওলামা সৈয়দ নুরানি আশরাফ আশরাফি আল জিলানি মদ্দাজিলুর আলী এবং মঞ্চে আরো উপবিষ্ট ওলামায়ে কেরাম মুরব্বি কেরাম, সকলকে আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আজকে এই নূরানী মাহফিলের আয়োজক এলাকাবাসী এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ রাজশাহী শাখা গাউসিয়া কমিটির যে ভূমিকায় এবং অবদানে অক্লান্ত পরিশ্রম শারীরিক এবং মানসিকভাবে যেভাবে দিয়ে এই মাহফিলকে উজ্জীবিত করে সফল মণ্ডিত করেছেন, তাদেরকে সকলকে জানাই আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ সহ ধন্যবাদ। আল্লাহ তাবারক তাআলা আপনাদের এই মহাব্বতকে এবং এই আকীদাকে কায়েম এবং দায়েম রাখুক। বিশেষ করে আমি শুকরগুজার আমাদের অত এলাকার মুরব্বি শ্রদ্ধে ভাজন বাইতুল মামুর জামে মসজিদের খতিব হাজরতুল আল্লামা মাওলানা আতাউল মুস্তাফা আল কাদেরী সাহেবকে, ডক্টর শফিকুল ইসলাম সাহেব এবং অত্র মসজিদের সভাপতি গোলাম মোস্তফা মুক্তারি সাহেবকে, যিনারা যথেষ্ট সুন্দর সুষ্ঠুভাবে আমাকে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই মাহফিলকে উদযাপন করতে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই এলাকাবাসীদেরকে যে আপনারা যেভাবে অংশগ্রহণ করলেন, সময় দিলেন। আমিও দোয়া করি আপনাদের জন্যে, আপনারাও দোয়া করবেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন ভবিষ্যতে এইভাবেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুন্নি মাহফিল করার তৌফিক দান করেন। সকলে বলি আমিন, আরো জোরে আমিন।
আরো জোরে আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তাবারক তাআলা কবুল করুন। এবং সেই সাথে হুজুর তো বলেই দিলেন আজ সেমি ফাইনাল, কালকে ফাইনাল। আল্লাহ আল্লাহ সোচো সোচে দিয়ে কি বাত হ্যাঁ, হুজুরের ওয়ালিদে গ্রামের স্টাইলে বললাম গাজিয়ে মিল্লাত অত্যন্ত আমার শ্রদ্ধেয় ভাজন ব্যক্তি, যিনাকে আমি অনেক অন্তর থেকে ভালোবাসি এবং আজকে নয় শৈশবকাল থেকে, ওনার ওয়ালিদ মোহতারাম গাজিয়ে মিল্লাত। তো একটা কথা আছে না, বারে মিয়া তো বারে মিয়া, ছোটে ছোটে মিয়া সুবহানাল্লাহ। তো বাপ কা তো জলওয়া দেখ চুকে হ্যাঁ আপ লোক, আব সাহেবে সাজ্জাদা কা জলওয়া দেখে। জব সাজ্জাদে সাহেবে সাজ্জাদা কা ইয়ে আলম হ্যায় তো খুদ ওয়ালিদে গ্রামী কা কি আলম হোগা। তো হাম লোগ বদ নসিব হ্যায় কি হযরত কো পায়ে নাই, আগর কবি পা যায় তো ইনশাআল্লাহ খুশ নসিব বন জায়েঙ্গে। তো হুজুর বলে দিয়েছেন যে আজকে সেমি ফাইনাল, তো আবারও বলবো আল্লাহ আল্লাহ সোচো সোচনে কি বাত হ্যায়, সেমি ফাইনাল কা জব ইয়ে আলম হ্যায় তো ফাইনাল কা কি আলম হোগা। তো আল্লাহ তাআলা ফাইনালটা আরো মজবুত করুক এই দোয়া করি। সকলকে দরবারের পক্ষ থেকে আমি দাওয়াত দিলাম, কালকে দরবারে বাদিশা প্রোগ্রাম হবে, আপনারা সবাই সবান্ধবে উপস্থিত হবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া তাআলা ওয়া বারাকাতুহ। दो शेर लिखे मैं भीग गया हूँ, बनियान चेंज कर, एक शेर या दो शेर आप ही पढ़ते।